रहीम, आज हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ते। और नॉर्मल कोफ्ते जैसे हम बनाते हैं उसी हिसाब से बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 kg जो है चिकन का कीमा है, और उसके अलावा हमारे पास है भुने हुए चने, उनका हमने आटा बनाया, उनको पीस लिया और पाउडर की शक्ल में, और 1 प्याज और 1 चम्मच जो है हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अंडा है, 1 टमाटर है और 6 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा धनिया है। इसके अलावा हमारे पास खुश मसालों में है लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमारे पास है धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच ही हमारे पास नमक है। तो इन सब चीज़ों को, चिकन का हमने कीमा बना लिया हुआ है, तो इन सब चीज़ों को जो है हम मिक्स करेंगे। और ये जो हमारे पास प्याज और लहसुन अदरक है इसको भी हमने पेस्ट की शक्ल में करना है, चॉप करना है। चॉप करने के बाद इसमें हम मिक्स करेंगे। और इसके अलावा यहाँ हमारे पास है, ये हमारे पास तकरीबन ग्रेवी के लिए जो है प्याज है 6 अदद और 2 चम्मच जो है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें पानी डाल के हम इसको बॉयल करेंगे, 2-3 मिनट बॉयल आ जाएंगे तो फिर इनको हम ग्राइंड करके इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखें, हमने जो प्याज अदरक वगैरह था उसको ग्राइंड कर लिया, चॉप कर लिया और उसमें मिक्स कर दिया, सब मिर्चें भी, टमाटर भी। अब हम जो है अंडा वगैरह बाकी मसाले हमने ऐड कर दिए। ये हमारे पास है चने का आटा जो हमने बनाया था, अब हम इसमें वो मिक्स करेंगे जितना सख्त ये कीमा हमें चाहिए उसके हिसाब से हम इनको ऐड करेंगे। और जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से ऐड करके फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। यहाँ हमारे पास ऑयल है जो हमने चूल्हे पे रखा हुआ है और ये गर्म हो रहा है, जैसे ही हम कोफ्ते बनाते जाएंगे तो इसके अंदर डालते जाएंगे। ये तकरीबन 3 चम्मच हमने डाला था, इसमें थोड़ा और डालेंगे। आप इसमें बेसन को भी भून के डाल सकते हैं, लेकिन चने का जो है वो एक अपना फ्लेवर और टेस्ट होता है, तो वो बहुत मज़े का लगता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तकरीबन ये 6 चम्मच के करीब हमने इसमें डाला है। अब हम इसको मिक्स करके इसके कोफ्ते बनाने शुरू करेंगे। ये देखें, कोफ्ते हमारे जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं, ये कोफ्ते हमारे जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं, और बाकी के भी जो हैं वो हमने बना के यहाँ रख लिए हैं। अभी ये सारे हम फ्राई करेंगे। और यहाँ हमारे पास जो है प्याज और लहसुन अदरक है वो भी तकरीबन गल गया है, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और ग्रेवी भी जो है वो हमारी एक जैसी और बड़ी मज़े की बने। तो अभी हम आपको ये ग्राइंड करके और कोफ्ते फ्राई करके उसके बाद बाकी आगे का प्रोसीजर जो है वो बताते हैं। देखिए, प्याज लहसुन और अदरक जो है उसको हमने पहले अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसके बाद उसको हमने ग्राइंड कर लिया, और ये देखें बिल्कुल स्मूथ जो है वो हमारी ग्रेवी बनेगी। और इसको अब जो है हम इसमें मसाले डालेंगे और इसको भूनेंगे। ये हमारे पास है 1 चम्मच नमक है, मिर्च है 1 चम्मच और 1/2 चम्मच जो है वो हल्दी है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए, ग्रेवी जो है हमारी तैयार हो रही है, इसको हम भून रहे हैं। और ये कोफ्ते हमारे जो हैं ये सारे फ्राई हो गए हैं। अभी हम जो है यही ऑयल जो हमने कोफ्तों को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था इसमें से ही हम हांडी में डालेंगे। यहाँ हमारे पास है टमाटो पेस्ट, तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटरों का पेस्ट हमने बनाया हुआ है और इसको ग्राइंड कर लिया हुआ है। तो अब ये वाला भी पेस्ट जो है हम अपनी ग्रेवी का जो मसाला तैयार करें उसमें ऐड कर देंगे।
और मसाले को जो है अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा जो है वो तकरीबन भून चुका है। इस मरहल पर हम इसमें इस मरहल पर ये डालेंगे अपने कोफ्ते। और इसको भी मसाले के साथ थोड़ा फ्राई होने देंगे। और जब ये बिल्कुल ऑयल छोड़ देगा तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें घी जो है ऑयल जो है वो ग्रेवी से अलग हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। और इनको तकरीबन जो है 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसीजर बताते हैं। ये देखिए कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, सब्ज़ मिर्चें और कटा हुआ सब्ज़ धनिया। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कोफ्ते हम आपको पंजाब से बना के दिखा रहे हैं और बर्तन जो हैं ये मेरी भाभियों ने सेट किए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।